गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी तक मैंने क्रिसमस की डेकोरेशन को रिमूव नहीं किया है, सो इसी वजह से ये प्लांट यहाँ पे पड़ा है। इसे इसकी जगह पे वापस लेके जाना पड़ेगा। गाइस लुक एट दिस ब्यूटीफुल जर्नल आई हैव। अब मैं प्लानिंग करने वाली हूँ। ओके, सो आज है हिम्मत की डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट, तो हम जाने वाले हैं डेंटिस्ट के क्लीनिंग में क्विकली। गाइस माय डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, इट वेंट रियली वेल। व्हाट इज दैट? ओके, सो डन विद डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट एंड अब बारी आती है हस्बैंड के अल्टू फालतू टास्क करने की, जो कि करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड नहीं हूँ, पर करना पड़ेगा, क्या करें, मजबूरी है। You want to save it for later? I know. Get the braces. In my pocket. Hello, दोस्तों, तो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ हमारा डिनर रूटीन। वैसे तो हम बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा खाना खाने वाले हैं, जो हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली खाते हैं, राजमा राइस। और राजमा काफ़ी समय से मेरी किचन में से मिसिंग थे एंड हिम्मत ने उसे बहुत मिस किया, तो मैं क्विकली राजमा बनाने वाली हूँ एंड कोशिश करूँगी कि जो हमारे पंजाबी अंकल आंटी रहते हैं उनको भी मैं दे के आऊँगी एक कटोरी, क्योंकि आंटी मिसिंग है घर से, वो गई है वैनकूवर फॉर सम रीज़न। मैं चाहती हूँ कि अंकल को फ्रेश सब्जी दे दूँ मैं, सो जल्दी से राजमा को लगाती हूँ तड़का। एंड गाइस लुक एट दिस ब्यूटीफुल एप्रन आई एम वेयरिंग। ये मेरे नॉर्मल एप्रन से थोड़ा डिफरेंट है, वो इसलिए क्योंकि ये नया है, इसको मैंने ख़रीदा है टीनू से। तो टीनू से और मैंने दो चार चीज़ें खरीदी थी, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है हॉल, अगर आप वो देखना चाहें वो मेरे चैनल पर है, ज़रूर से देखें। सो तड़के के लिए टमाटर को बॉयल कर लिया है मैंने। वैसे तो मैंने पहले बहुत बार बताया है कि राजमा की रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल पे है, सो हमेशा राजमा के लिए मैं बॉईल करके टमाटर को तड़का लगाती हूँ। राजमा में हम अनियन नहीं डालते हैं, सिर्फ खूब सारे टमाटर होते हैं, गार्लिक, जिंजर एंड हरी मिर्ची। सो लेट्स आज ये जो मेरा प्यारा सा टीमू का फाइंड है गार्लिक, इस पर मैंने किया है क्यूट कि ना तिद्दी सा है ना, कि अगर आपको थोड़ा सा गार्लिक करना हो तो आप इसमें कर सकते हैं, जैसे चिलीज़ करनी हो, क्योंकि जब आप हाथ से करते हैं तो हाथ आँखों पे लग जाता है एंड बहुत प्रॉब्लम होती है, सो दैट्स गुड। इसमें कर लिया है मैंने, मसाला यूज़ करने वाली हूँ मैं, पर मुझे टेस्ट करी थी मैं आज, टेस्ट करी थी कि मैं ये कैसा काम करता है, तो या ओके काम करता है ये। बनाते हुए हो रही हूँ बोर, तो मैं सोच रही हूँ कि नेटफ्लिक्स पे कुछ देख लेती हूँ एंड क्लीनिंग का काम भी अभी से शुरू कर लेती हूँ। सो खाना सर्व करना है एक घंटे में, गार्बेज सॉर्ट के आती हूँ।
ब्रशी कर ली ब्रेसेस पहले जल्दी ब्रशी कर दे ब्रेसेस पर बताना भूल ही गई कि खाना तो मैंने बनाया पर हमने खाया नहीं क्योंकि मुझे भूख नहीं थी एंड फॉर सम रीजंस हस्बैंड को भी नहीं थी तो हमने स्किप कर दिया. सो हम इस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे कल वाले दिन में क्योंकि हमारा जो डिनर रूटीन था वो फेल हो चुका है क्योंकि हमने तो खाना ही नहीं खाया. सो अगले दिन दोपहर को हम खाना खाने वाले हैं. अगर जाओगे तो 120 तो ना निकल जाओ तिरामिसु केक लेके आओ प्लीज. या मैं ही जाना सो राजमा है हस्बैंड ने एग पूजी बनाई है अपने लिए सैलड है एंड मज़े से खाना खाएंगे. हिम्मत भी स्कूल से आ चुका है यही हमारा समय होता है यूजुअली कुछ खाने का. Guys, I can't tell you how much I love Rajma bread. Yes, you can. I can't tell you how much I love Indian food and Indian wife. Mummy, he's cheating. He's cheating. तो थैंक यू वेरी मच गाइस व्लॉग को देखने के लिए. मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें. मैं आपको जल्दी मिलती हूँ नए व्लॉग में. आई लव यू गाइस सो वेरी मच. बाय बाय.